हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अरवी के पत्तों के पतोड़ बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं। एक पाव अरवी के पत्ते मैंने लेकर बारीक काट लिया है अच्छी तरह से धोकर, और एक पाव ही इसमें मैंने बेसन डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच पिसे हुए प्याज, एक चम्मच गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच ही मिर्च। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस पर खुले मुंह का एक कोई बर्तन रख लें, उसमें उबलने के लिए पानी रख दें। अब इस तरह की इस पे रखें एक छलनी और सभी पतोड़ इसमें इस तरह से उबलने के लिए रख दें। जैसे जैसे नीचे पानी उबलेगा, पानी की भाप से भी उबल जाएंगे। इतने मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दूँगी सबसे पहले। अब मैं डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन का पेस्ट और प्याज भी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च। अब मैं इसमें एक टमाटर भी डाल दूंगी। अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल दें, मेरे पास दही नहीं थी इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 15 मिनट में ये उबल चुके हैं, देखिए। इन्हें छलनी में रखने से पहले आप छलनी को चिकना कर लें, नहीं तो ये छलनी में ही चिपक जाएंगे। अब देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब देखिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, अगर आप कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगा तो इसमें पतोड़ डाल देंगे। देखिए पानी उबल जाने के बाद मैंने इसमें पतोड़ डाल दिए हैं, अब ये तैयार हो चुके हैं शोरबा लगाने के लिए। जिस पानी में पतोड़ उबाले थे वो पानी भी हम डाल सकते हैं, और इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं पतोड़। बेसन का घोल तैयार करें, सारे मसाले इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें आप पहले, फिर उस घोल को पत्ते पर फैलाएं और फोल्ड करते जाएं, और फिर छलनी में रखकर इसी तरह से उबाल लें, फिर उसको काट लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।